नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। ईशांत शर्मा ने वो उपलब्धि हासिल की है जो इससे पहले दो ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने हासिल किया था। जी हां, 300 टेस्ट विकेट ईशांत शर्मा ने पूरे कर लिए हैं और ऐसा करके उन्होंने इतिहास रचा है। ईशांत शर्मा ने इंग्लैंड के बल्लेबाज डैन लॉरेंस को आउट कर अपने 300 टेस्ट विकेट पूरे किए। इंग्लैंड की दूसरी पारी के 16वें ओवर में ईशांत शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आए थे। उन्होंने एक लेंथ डिलीवरी डाली, गेंद हल्के से हवा में स्विंग भी हुई और सीधे डैन लॉरेंस के अगले पैर पर जाकर लगी। डैन लॉरेंस इसे फ्लिक करना चाह रहे थे लेकिन चूक गए और पैड पर लगने के कारण LBW के लिए अपील हुई। अंपायर ने आउट देने में जरा भी देरी नहीं की और इसके बाद इंग्लिश बल्लेबाज ने रिव्यू ले लिया और रिव्यू में साफ तौर पर पता चल रहा था कि गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ है, लिहाजा एक रिव्यू गवा कर डैन लॉरेंस चलते बने। उधर ईशांत शर्मा ने 300 टेस्ट विकेट पूरे करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। जहीर खान और कपिल देव के बाद वो तीसरे भारत के तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 300 टेस्ट विकेटों के आंकड़े को पार किया है। अब ईशांत शर्मा की निगाहें कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी। भारत के लिए बतौर तेज गेंदबाज कपिल देव ने ही सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट हासिल किए थे। हालांकि कपिल पाजी ऑलराउंडर थे और बल्लेबाजी में भी उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। गौर हो, भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज यानी सोमवार 8 फरवरी को मुकाबले का चौथा दिन का खेल जारी है। भारतीय टीम ने 257 पर 6 विकेट से आगे खेलते हुए पहली पारी में 337 रन पर ढेर हो गई। भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड से 241 रनों से पीछे है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।